नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टर दक्षिणपंथी सरकार की न्यायिक सुधार योजनाओं के खिलाफ लगातार 11वें सप्ताह विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को फिर कस्बों और शहरों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। नेतन्याहू की सरकार ने पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों बाद जनवरी में सुधारों की घोषणा की थी, जिसे लेकर पूरे इसराइल में नियमित रूप से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को पुतिन अचानक से यूक्रेन के मारियुपोल शहर पहुंच गए। यहां पर रूसी सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार उत्तरी कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को एक समाचार एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से खबर दी है कि उत्तर कोरिया ने रविवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर समुद्र की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र के ठाणा जिला में मीरा रोड में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच आयोजकों को महाराष्ट्र पुलिस ने सीआरपीसी 149 का नोटिस पकड़ा दिया है। चेतावनी भी दी है कि कार्यक्रम के आयोजक इस बात का ख्याल रखें कि कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोई विवादित बयान न दें। राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए अपने बयानों को लेकर सफाई दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है उन्होंने G20 की अध्यक्षता पर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में खुलकर इस मसले पर अपनी बात रखी। इस दौरान कई बार भाजपा सांसदों से राहुल गांधी की तीखी झड़प भी हुई। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके लंदन में दिए गए बयानों की तीखी आलोचना की। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दर्जनों समर्थक पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी अमृतपाल सिंह का कुछ पता नहीं चला है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में अनाज के उत्पादन का क्षेत्र लगभग 98,000 हेक्टेयर घट गया है। खाद्यान्न की पैदावार के तहत वित्तीय वर्ष 1997 से 98 में 853,000 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 755 रह गया है। यह आंकड़ा 2021-22 तक उपलब्ध समग्र जानकारी के आधार पर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार शराब ठेके 40% अधिक दाम पर नीलाम हुए हैं। बीते वर्ष 10% के नवीनीकरण फार्मूले के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 518 करोड़ रुपए अधिक दाम पर ठेकों की नीलामी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सस्ती बिजली मिलने पर संशय बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली बोर्ड को 500 करोड़ का ही उपदान मिला है। सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ऐसे में 1 अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की संभावना बन गई है। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में रोचक जानकारी। खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उसकी 2 कारों को जब्त करने के साथ ही उसके गनरों को भी पकड़ा गया है। उसके हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल के मुताबिक अमृतपाल सिंह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान डटे हैं। अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चेकिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जबकि कई अन्य खालिस्तान समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बारिश पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल कुछ साथियों संग भाग निकला है।
गिरफ्तार आरोपियों में से एक 315 बोर की राइफल, 7 12 बोर की राइफल, एक रिवॉल्वर और विभिन्न कैलिबर के 373 कारतूस बरामद हुए हैं। इस बीच पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। माहौल बिगड़ने की आशंका में पंजाब में सोमवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमृतपाल पर 2 मामले अमृतसर जिला के अजनाला थाना में हैं। अपने करीबी लवप्रीत सिंह की गिरफ्तारी से नाराज अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ अजनाला थाना पर हमला कर दिया था। उस पर कार्रवाई न होने से पंजाब पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी। अमृतपाल पर आरोप था वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेकर थाने में पहुंचा था और भीड़ को हमले के लिए उकसाया। इसके अलावा उस पर भड़काऊ भाषण देने का भी केस दर्ज है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।